अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स गाइस, यू आर वाचिंग प्रोग्राम बहरिया किरंग आतिफ भट्टी के संग। आज हमारे साथ मौजूद हैं राणा अदनान मुदस्सिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम आतिफ भाई, कैसे हैं? व्यूअर्स, बहरिया टाउन कराची के अंदर जिस तरह से आप लोगों को भी आइडिया है कि 125 गज की जो इस वक्त प्राइजेज हैं वो काफ़ी हाई हो चुकी हैं। आज अदनान भाई के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मेन जना एवेन्यू पे सबसे करीब तरीन के ऐसे कौन से प्रीसेंस हैं कि जिन पे अभी आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जी अदनान, मेन जना एवेन्यू से करीब आप 125 स्क्वायर यार्ड्स के हवाले से जो बात करें, यहाँ आते हुए आपको पता है अली ब्लॉक टॉप ऑफ द लाइन चल रहा है। जी जी। लेकिन अली ब्लॉक की हम हमेशा तारीफ करते हैं, उन लोगों के लिए मैं वहाँ अली ब्लॉक रिकमेंड करूँगा जो फौरी रिहाइश के ख्वाहिशमंद है ना। सही है। जो फौरन कहेंगे हाँ जी मुझे रिहाइश करनी, जो लोग थोड़ा पेंडिंग करना चाह रहे हैं, थोड़ा डिले या कंस्ट्रक्शन खुद करेंगे और टाइम भी है उनके पास, और यानी फौरन से कंस्ट्रक्शन नहीं, एक साल दो साल या तीन साल का टाइम है, तो वो थोड़ा यानी डिले करके वहाँ शिफ्ट होंगे, तो उनके लिए पिसिंग 27 की ऑप्शन काफ़ी अच्छी, 26 ए की बहुत अच्छी है, पिसिंग 31 के जो विलाज हैं वो बहुत अच्छे हैं। यानी हर वो जगह जो मेन जन एवेन्यू से अच्छी अप्रोच वाली है जी जी, प्लस उसके करीब करीब कहीं विलाज भी मिलते हैं। सही है। तो विलाज के करीब कहीं भी 125 गज का प्लॉट मिले तो उसको मिस नहीं करना चाहिए जी। अच्छा, उसकी रीज़न क्या है? रीज़न आतिफ भाई, इस तरह से मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ आपके विलाज ऑलरेडी बने हुए हैं वहाँ उसके करीब अगर लोकेलिटी में आपको प्लॉट्स मिलते हैं रिहायशी, तो उन रिहायशी प्लॉट्स पे अगर आप घर बना लेते हैं तो यू विल नॉट बी द ओनली फैमिली ओवर देयर, आप अलग थलग घर नहीं होंगे जी जी। आपके नेबरहुड में बहुत सारे लोग हैं जी जी। ठीक है, यानी उसमें आप ये कह सकते हैं कि आपके हमसाए मौजूद हैं, आप ऑलरेडी एक पॉपुलेटेड एरिया के अंदर जाके शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं सोचता हूँ और मैं ये मैसेज अपने कस्टमर्स को कन्वे करता हूँ। और 125 गज के प्लॉट के लिए जहाँ ग्राउंड प्लस वन स्टोरी बिल्डिंग बनाने की परमिशन है आपको, तो इसमें 3 बेडरूम 4 बेडरूम अकोमोडेशन बनती है, जिस तरह अली ब्लॉक में ढेरों ऑप्शंस हमारी बनी पड़ी हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप बैरिया ग्रीन्स को भी कंसीडर करें या दूर दराज वो इलाका है, नो डाउट वो इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ कह रहा हूँ, बैरिया ग्रीन्स में 75 यार्ड्स वाला प्लॉट और जो पेसिंग 61-23 में है वो 125 वाला जिसपे ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी बनाने की परमिशन है जी जी। ये कम बजट के थोड़े कंपैरेटिवली ज़रा सस्ते हैं जी, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा लॉन्ग टर्म है, तो ये मेरा मानना है कि इसमें आपको थोड़ा इस तरह से मैं सोचता हूँ जी। अच्छा अदनान भाई, जिस तरह से 125 गज पे ही हमारी बात हो रही है, अभी कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं, लेट्स सपोज एंड यूज़र के लिए हम मैसेज देना चाह रहे हैं कि एंड यूज़र अगर बहरिया के अंदर आता है और कंस्ट्रक्शन का पर्पस लेके आता है, तो उनके लिए कौन से एरियाज आप रिकमेंड करेंगे, कौन से प्रीसेंट रिकमेंड करेंगे? जिस तरह आपने ऑलरेडी पहले बता तो दिया अली ब्लॉक, सॉरी हाँ अली ब्लॉक ही देखें बेहतर, 10B 11B बहुत अच्छी जगह। देखिए 11B और 10B में जहाँ विलाज है ना उसकी सराउंडिंग में अगर आप करें, और 27 वाई नॉट 27 जी जी, 27 में भी वही फैक्टर है कि अगर विलाज है उसके करीब तो सारी ऑप्शन भी मौजूद हैं जी जी। तो व्यूअर्स, ये थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कशन की अदनान भाई के साथ जिसके अंदर इन्होंने आपको डीपली बताया। बेसिकली देखें, डिस्कशन हमारे चैनल्स पे होती रहती हैं, लेकिन अदनान भाई के साथ ज्वाइन करने में ये इनका बड़ा फन है कि अपना कीमती टाइम आप हमें देते हैं और डिस्कशन का हिस्सा बनते हैं। बेसिकली जो कह लें कि पॉइंट्स अदनान भाई क्लियर कर सकते हैं या आपको मैसेज दे सकते हैं वो हम लोग नहीं कर सकते, तो थैंक यू सो मच अदनान भाई। बाकी स्क्रीन्स पे हमारे नंबर दिए गए हैं, मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहें पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच।